बस की रादा हो। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चित्रकला, तो बस थोड़ा और आगे जाना है, उसके बाद हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे डल के लिए। तो मैंने सुना है 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज हम ये एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम विज़िट है कैलाश कुंड का। तो चलिए, यहाँ से बनी 47 किलोमीटर दूर है, तो जिसने बनी जाना हो तो यहाँ भद्रवाह के रास्ते भी जा सकता है, नज़दीक पड़ेगा। तो अभी हमने तो बनी नहीं जाना है, हमने जाना है ऊपर कपलास, तो कुंड कपलास। तो चलिए दोस्तों, आगे आगे दिखाते हैं आपको सुंदर नज़ारे। तो फाइनली गाइस अब हम चित्रकला पहुंच चुके हैं। यहाँ देख सकते हो आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देख सकते हो आप। तो काफ़ी ठंडी जगह है, खूबसूरत जगह है। तो अब हमने जाना है यहाँ से ऊपर, बिल्कुल उस पहाड़ी पे, बिल्कुल वहाँ से पे ऊपर खड़ी पहाड़ी है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, सामने लंगर लगा हुआ है, जो भी यात्रीगण है यहाँ पर लंगर खा सकते हैं। तो यहाँ से अब हमने ऊपर जाना है, लंगर अभी खाएंगे नहीं क्योंकि भारी हो जाएगा, फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास है खाने पीने की सुविधा। तो आज भैया अभी चाय पी रहे हैं, गरम गरम लाई थी लेकिन मिनट में ठंडी हो गई। हाँ तो जल्दी,
मजा आ रहा। और अंकल जी ने भी चाय लाई है, तो खाली लाई है। ठीक है, आज भी अगर अभी यहाँ पे बारिश लग जाए तो है भोलेनाथ की। टाइम स्लैब में किसने किया था? हेलो गाइस, हम यहाँ पे अभी पहुँच गए। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल, वेलकम टू अवर अजय चैनल। अपने मैं इकट्ठा मिल लूं ठीक ब्रो। We all are subscriber of our Ajay ji. Pinag Langar Committee. Chhatri Top. दोस्तों लगभग आधी दूरी हम तय कर चुके हैं, आधी से मैं भी थोड़ी ज़्यादा। अब हम जा रहे हैं लंगर खाने। खा जी लंगर, खा जी लंगर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं छतरी टॉप। छतरी टॉप
हम छतरी टॉप हाँ छतरी टॉप ही है। छतरी के आगे टॉप थोड़ लिखा कुछ और लिखा आज भी इनने यार छतरी धार होगा धार छतरी धार वही हो गया टॉप धार इंग्लिश नहीं ना चलाई शुरू हो जाना इधर ऐसे हो रहा है पता कैसे वो कोट ग्राही होते ना भी यहाँ पे उनको देखना था डांस वो जहाँ नहीं देखो तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हो ओहो तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो अभी हमने बस इस रास्ते जाना है ऊपर की ओर, तो अभी भी काफ़ी दूर है, लगभग 3 घंटे और लगेंगे। तो हम बैठे हैं थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, धुंध देख सकते हो आप, तो आसमान देखिए। महादेव का भगत ये लो ये वाला खाओ एक और चलो। तो गाइस अब थोड़ा विश्राम हो रहा है, नहीं आप खा लो यार, थैंक यू। क्यों क्या हो गया, आप खा लो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तो आप जूस पी रहे हैं और आयुष जी भी जूस पी रहे हैं और बनाना भी खा रहे हैं, आज इनका फास्ट भी है मैं आपको बता दूं। तो काफ़ी बड़े भक्त हैं शिव जी भगवान जी के, तो हम भी तो भक्त हैं, लेकिन मुझे भूख लग जाती है, सॉरी गाइस। तो अब मैं पी रहा हूँ जूस, वाओ इसमें है नींबू, नींबू पी रहा हूँ, तो नमक भी है चीनी भी है और नींबू भी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं पीछे और कुछ ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो बस जल्द से जल्द ये ख़त्म करेंगे हम, फिर चलेंगे यहाँ से ऊपर की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी शांति और ठंड भी लग रही है यहाँ पर रुकने पे, तो अब हम जल्द से जल्द यहाँ से चलेंगे। तो दोस्तों अब हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, तो ये देख सकते हो आप, पानी भी दिख रहा होगा आपको, तो ये देखिए जय भोले बाबा, जल्दी पहुँचा दे ऊपर। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सामने झरना देख सकते हो आप, तो दोस्तों ये देख सकते हो टाइम अब 6 हो रहा है, तो ये देख सकते हो मौसम क्या धुंध पड़ रही है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप पीछे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम भी बड़े खूबसूरत हैं।
दाना जी पीछे हमारा टिक्का भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा टिक्का लगाते हैं। तो आगे आगे सनी जी ने भजन लगाए हुए हैं, इनकी इनके भजन की वजह से अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो काफी हाँ बिल्कुल शक्ति आई हमें इनके भजन सुन के, काफी हिम्मत आई। तो अब हम चलते जा रहे हैं, बस थोड़ा ही दूर रहा है, बिल्कुल आप कर सकते हो साइड, करता हूँ मैं कुछ। यहाँ पर थोड़ा रास्ता पत्थर ही पत्थर है, रास्ता थोड़ा कठिन है, ये देख सकते हो आप पत्थर हैं, रास्ता बड़ा कठिन है, यहाँ पर पथरीला रास्ता है। तो मौसम भी देख सकते हैं, वाह 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 क्या नजारा है, पत्थर ही पत्थर दिखे होंगे आपको। वाह जी वाह, गाइस आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर है गाइस, और बोलिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हम इस रास्ते से आए हैं, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर बस चट्टान ही चट्टाने दिखेंगी, पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। तो बस ये पथरीला रास्ता है, थोड़ी यहाँ से कठिन चढ़ाई है थोड़ी, बस आधे घंटे का और रास्ता है कह रहे हैं लोग। तो बस थोड़ा ऊपर जाना है जहाँ पर आपको थोड़ी धुंध दिख रही है वहाँ तक जाना है, तो वहाँ पहुँच गए तो समझो बस पहुँच गए। तो तब तक ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखेंगे आपको। तो ये रहा रास्ता, तो दोस्तों हम दिखाना चाहेंगे आपको बर्फ, लाइव बर्फ, थोड़ी काली हो चुकी है और वहां पर बाबा लिखा हुआ किसने वो आगे। चढ़ के ना अपना झंडा काट दो गाइस, ये पहला आदमी है जिसने पहला आदमी जो आज आप लोगों ने बात देख, आप लोगों ने बात देखी नहीं है, बिल्कुल आप व्लॉग में देख सकते हो। आप लोग तो इस महीने में पथराव होने इधर के साथ खेलते हुए सीधी मुंह में कान नहीं सड़क में। चलिए चलिए जल्दी वहां से हटो, वाह भाई क्या नजारा है। मैं ये ज़ूम करके देखूंगा ये यार, ये ऐसे ही थोड़ा मौजूद है 35-36 बर्बादी के सारे मन से कुछ कहते जय हर महादेव, कुछ मामूली बात है। जय शिव शंकर, क्या हुआ कौन सा है, कौन सा वाला है, ये मुझे वही लग रहा है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:10, तो ये देख सकते हो आप हम पहुंच चुके हैं कैलाश कुंड। तो बस 2 मिनट का रास्ता और है, ये देख सकते हो लाइटें लगी हुई हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा और, कुछ छोटे छोटे डल नीचे भी हैं ये रहे। तो ये वाली साइड जो लाइटें वाली साइड दिख रही हो, यहाँ से भद्रवाह वाली यात्रा आती है, तो वो कल आएगी सुबह। तो अभी हम जा रहे हैं बस डल के पास, तो लगाते हैं वहाँ पर टेंट, अंधेरा भी हो रहा है अभी, उतना साफ दिख नहीं रहा होगा। जय श्री शंभू जय श्री शंकर जय भोलेनाथ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, आपको अभी डल भी दिखाते लेकिन डल दिखेगा नहीं, अभी अंधेरा है बिल्कुल, कल सुबह आपको डल के भी दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं टेंट के अंदर हूँ और साथ में आयुष और सुधांशु भी सोए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, आप देख सकते हो ओस
टेंट पे, और बाहर तो माइनस में टेम्परेचर है अभी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। हम तो स्लीपिंग बैग में घुस गए हैं, तो अब देखते हैं नींद आएगी कि नहीं। नहीं आएगी तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी टाइम देखना चाहूँगा, टाइम है अभी 10 बज रहे हैं, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय भोले बाबा, जय भोले शंकर। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा अभी इस सुबह का व्यू कैसा आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले तो ये देखिए हमारा टेंट, और ये हमारे भाइयों का टेंट। तो हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो दोस्तों ये देखिए व्यू कितना प्यारा आ रहा है। बार बार से यार साले, मेरे हिसाब से बड़ा ठंड हुआ नहीं देरी जारी चकने नहीं जाएंगे। ओ चक्की पे कालो बस आई आदमी अजय भी तो बोलते भाई बिच्चा है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, अभी अभी हम नहा के निकले हैं, तो अब हम बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम से जितने भी पाप थे वो सब धुल चुके हैं। तो अब हम इस झील के किनारे किनारे अब एक राउंड लगाएंगे। तो कहते हैं कि मान्यता है कि इस झील के किनारे जो भी राउंड लगाता है तो सब अच्छे काम हो जाते हैं उसके। तो अब हम भी यही सोच के निकल रहे हैं। तो आयुष जी को देख सकते हो क्या हाल हो गया। आयुष जी कैसा लगा आपको ना के? अरे बोलो, कुछ बोलने को कह रहा हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो अभी टाइम हो रहा है 7:50। तो अब हम जा रहे हैं इस डल के किनारे किनारे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं खूबसूरत झील। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, प्यारी झील है। तो साफ पानी, एकदम स्वच्छ बर्फ़ का पानी, तो बिल्कुल माइनस में पानी है ये, क्योंकि बर्फ़ पिघल के सीधी इस झील में जा रही है। तो काफ़ी ठंडा पानी है इस झील का, बहुत ही हाथ नहीं लगाया जाता। देख सकते हो आप हाथ का हाल क्या है, ये देखिए। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर। लोगों को देख सकते हो आप मोटे मोटे जैकेट पहने हुए हैं, तो फिर भी नहा रहे हैं।
फिर भी नहा के नहाने के बाद मंदिर जा रहे हैं, तो अब हम भी ये राउंड पूरा करेंगे उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो कुछ लोग वहाँ पर रुके हुए हैं हमारे दोस्त, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं बिल्कुल मंदिर के ऑपोजिट में, ये देख सकते हो आप सामने मंदिर है, डल है कैलाश डल, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ से व्यू, एकदम खूबसूरत। ज़्यादा जूम नहीं करेंगे क्योंकि लोग नहा रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए हम थोड़ा आगे की ओर चलेंगे। तो ये तब तक आप झील का नज़ारा लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत है पानी, लोगों ने काफ़ी सारे पूजा की हुई है, देख सकते हो फूल किनारे किनारे। अब हमारे साथ भी भक्तजन आ रहे हैं, पीछे हमारी टीम आ रही है साथ में। आयुष को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही नहाने के बाद, लेकिन मैं ठीक हूँ अभी भी। नहीं मैं भी गर्म हो गया हूँ अभी। अच्छा तो दोस्तों अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको धूप की पहली किरण। तो अब अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ से ये देखिए सूरज की किरणें हम पे पड़ रही हैं। तो अभी थोड़ी देर में सूरज पूरा सामने आ जाएगा, ये देख सकते हो आप। तो ये नज़ारा देखिए डल का, कुंड का। तो सुधांशु जी आगे आगे जा रहे हैं कहीं, तो अभी इनने घर तैयार किया हुआ अपना, इनको बोला था तीन छत बनाने को, बनाया इनने दो छत, अभी बड़ा बनाएंगे, ये कोई बड़ी सी कोठी बनाएंगे। तो आयुष जी देखिए कहाँ पर खड़े हैं, अरे चुनाव में नहाने वाले ये कोई नहाना हुआ जी, सन्नी भैया अभी तीन और है। Thank you.
लाज रखा दे बिये तू चंडी माता मेरी कोई और सच्चे दरबार की जय दरबार की जय फाइनली गाइस अब हम वापस आ चुके हैं, मैं और आयुष आए, हम बाकी वाली टीम तो वहीं पर रह गई क्योंकि वो थक चुके थे बहुत ज़्यादा और वैसे तो हम भी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा आगे जाके मैंने थोड़ा रेस्ट करना है, ये गाड़ी साइड पे लगा के कहीं ठंडी सी जगह पे बैठ जाएंगे हम दोनों। तो कुछ खाने का भी हमने मटेरियल लाया, वो खा लेंगे। तो होप दोस्तों आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आएगा। तो काफ़ी बढ़िया यात्रा रही हमारी, पर थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कैलाश कुंड की जो यात्रा थी मैं कभी गया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, आयुष का फर्स्ट टाइम था। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें वहाँ पर जाके, तो भोले बाबा के दर्शन हुए हमें। अब हम घर की ओर जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भोले बाबा, जय भोले।